हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिलेशन टू फाइलोजेनेटिक ट्री। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपोमॉर्फी क्या होता है, प्लेजियोमॉर्फी क्या होता है, होमोप्लाजी, सिनएपोमॉर्फी और टेपोमॉर्फी, ये सारे टर्म्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री होती क्या है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एक ब्रांचिंग डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें हम शो करते हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसको, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसको शो करता है ये ब्रांचिंग डायग्राम, जिसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। सो अ फाइलोजेनेटिक ट्री इज अ ब्रांचिंग डायग्राम शोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस बायोलॉजिकल स्पीसीज। Then next point is they are based upon similarities and differences in their physical or genetic characteristics. तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो similarities और differences के basis पे arrange की जाती है। For example, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें represent हो रहा है bacteria, archaea and नेक्स्ट वाले में एनिमल्स। तो देखो बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है, एनिमल्स क्या है यूकैरियोट्स में। तो एक कॉमन एंसेस्टर था, वो एक डाइवर्ज होके क्या बैक्टीरिया बनाया, फिर थोड़ा सा उसके कैरेक्टर में चेंजेस आया आर्किया, फिर ज़्यादा चेंजेस आए तो यूकैरियोट्स बने। ओके, तो इस तरीके से ब्रांचिंग डायग्राम रहता है जो फाइलोजेनेटिक ट्री शो करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सिंगल फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेटिंग कॉमन एंसेस्ट्री। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपोमॉर्फिक कैरेक्टर। कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिसेंडेंट बट नॉट प्रेजेंट इन इट्स एंसेस्टर। तो कोई भी कैरेक्टर है जो एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन उनके बच्चों में प्रेजेंट होगा, मतलब डिसेंडेंट में उनके प्रेजेंट होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, अपोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा कैरेक्टर जो एडवांस हो उसको हम क्या कहेंगे, अपोमॉर्फिक। ए फॉर एडवांस एंड ए फॉर अपोमॉर्फिक। तो ऐसा कैरेक्टर जो एडवांस हो, अब एडवांस कैरेक्टर हम जानते हैं कि ऑफकोर्स बच्चों में ही होगा, पेरेंट्स में तो एडवांस कैरेक्टर होंगे नहीं, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा कैरेक्टर जो डिसेंडेंट में हो, मतलब कि जो बच्चों में हो, वो एडवांस कैरेक्टर है, उसको ही हम अपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। देन नेक्स्ट इज एनी कैरेक्टर विच इज बींग इवॉल्व आफ्टर अ स्पेशिएशन इवेंट इज नोन एज अपोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो हम जानते हैं कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री हम बनाते हैं तो उसमें जो ये जो नोड रहता है इसको हम नोड कहते हैं, पॉइंट जहाँ से डाइवर्ज होती है ना, दो ब्रांचेस निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और नोड ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे स्पेशिएशन का इवेंट हुआ है, ठीक है। तो स्पेशिएशन इवेंट के बाद कोई भी कैरेक्टर इवॉल्व होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। इसको हम एडवांस कैरेक्टर, डिराइव्ड कैरेक्टर या अपोमॉर्फी के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप आपको अपोमॉर्फिक कैरेक्टर आज क्लियर हो गया हो। ऐसा कैरेक्टर जो एडवांस है, और एडवांस कैरेक्टर किस में पाया जाएगा, डिसेंडेंट या बच्चों में ही पाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखो अपोमॉर्फिक कैरेक्टर कौन, ये ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो अपोमॉर्फिक कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाला कैरेक्टर ये डिसेंडेंट में तो प्रेजेंट है लेकिन ये उनके एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। सो प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, इफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन लास्ट कॉमन एंसेस्टर देन इज कॉल्ड प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो ऐसा कैरेक्टर जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर में हो, जो पूर्वजों के पास हो, तो पूर्वजों के पास रहने वाला कैरेक्टर क्या, प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मतलब पुराना, तो जो पुराना कैरेक्टर है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रे कलर का जो कैरेक्टर है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, क्योंकि ये ग्रे वाला कैरेक्टर ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास है, एक और एंसेस्टर है और उनके बच्चे हैं, उनके पास भी है, डिसेंडेंट के पास भी। तो ये कैरेक्टर क्या है, बच्चों के पास तो है लेकिन साथ में उनके पेरेंट्स के भी पास है, मतलब उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वजों के पास भी वो कैरेक्टर है, इसलिए इस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को प्रिमिटिव कैरेक्टर या एंसेस्टर कैरेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। देन नेक्स्ट है हम देखते हैं होमोप्लाजी, ठीक है। तो दीज कैरेक्टर आर नॉट प्रेजेंट इन देयर एंसेस्टर, दे इवॉल्व बाई चांस। तो ऐसे कैरेक्टर जो एंसेस्टर में नहीं होते, अब एंसेस्टर में नहीं होते तो क्या हम इसको एपोमॉर्फिक कैरेक्टर कह सकते हैं, ऑफकोर्स हम इसको एपोमॉर्फिक कैरेक्टर कह सकते हैं।
होमोप्लाजी जो है अपोमॉर्फिक कैरेक्टर का ही एक टाइप है, मतलब एडवांस कैरेक्टर का ही एक टाइप है, जिसमें यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, दे इवॉल्व बाय चांस, मतलब डिसेंडेंट में होंगे लेकिन बाय चांस होंगे, मतलब अनरिलेटेड स्पेसीज में एक जैसा कैरेक्टर होना इज नोन एज होमोप्लाजी। इट इज एन एडवांस और अपोमॉर्फिक कैरेक्टर, मैंने आपको बताया, देन दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है विंग्स इन बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अब हम जान रहे हैं कि बर्ड्स क्या है, वर्टिब्रेट्स है, ओके, और इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट्स है, लेकिन दोनों में पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, और दोनों में वो फ्लाइंग के काम आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एकदम अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें सेम कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, होमोप्लाजमॉर्फी। हम देखते हैं सिनमॉर्फी क्या होता है, सिनपोमॉर्फी आर कैरेक्टर शेयर्ड बाई अ ग्रुप ऑफ टैक्सा ड्यू टू इनहेरिटेंस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे ये है कि एक लास्ट कॉमन एंसेस्टर में वो चीज प्रेजेंट होगी और उनके साथ साथ उनके डिसेंडेंट में, जैसे कि आप डायग्राम में ये देख रहे होंगे, ये एक कॉमन एंसेस्टर है, इनमें प्रेजेंट है एक कैरेक्टर और वो फिर उनके बच्चों में गया है, उनके डिसेंडेंट में गया है, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम, सिनमॉर्फी या सिनपोमॉर्फी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है characteristics present in an ancestral species and shared exclusively by its evolutionary descendant. तो ऐसे को हम बोलते हैं synmorphic. Then next is autapomorphy क्या होता है? Autapomorphy in phylogenetics and autapomorphy feature is developed characteristic which is specific to a taxon. It is therefore not present in any other taxon. ये क्या है, किसी भी एक टैक्सा जो होता है, जो लास्ट ये प्रेजेंट रहते हैं उसको ही हम टैक्सा कहते हैं, और ये जो किसी भी टैक्सा है उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर टैक्सा रहेगा, उसमें ही वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा किसी एक में, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑट एपोमॉर्फी, कोई एक में ही प्रेजेंट होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो कि ऑट अपोमॉर्फी क्या होता है, सिनअपोमॉर्फी क्या होता है, प्लेजियोमॉर्फी, अपोमॉर्फी, होमोप्लाजी। इसमें क्या है, डायरेक्ट डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो।